तो अभी हम लोग सिक्रीशंस के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की इन जनरल देखें तो जो कैसे सिक्रीशन होती है एक नॉर्मल ग्लैंडुलर सेल में, उसके बाद हम स्पेसिफिकली सैलेवरी ग्लैंड पे भी आएंगे, लेकिन नॉर्मल जो ग्लैंडुलर सेल है वो कैसे सिक्रीट करता है वो हम लोग देखते हैं। सपोज़ ये हमारी ब्लड वेसल है, कोई कैपिलरी है सपोज़, तो ये कैपिलरी से क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, जो भी हमें चाहिए वो बनाने के लिए, वो हम लोग ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट जो है वो ब्लड सप्लाई से लेंगे। तो वो क्या करेंगे, वो डिफ्यूज इन होंगे, या तो वो पैसिवली या फिर एक्टिवली, कोई यहाँ पे पंप लगेगा या फिर पैसिवली आराम से डिफ्यूज़ होकर आ जाएंगे। किसी भी तरीके से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको ये दिख रहे हैं ये है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम जो होता है वो होता है एटीपी बनाना, तो वो बना देंगे हमारे एटीपी। अब हमारे पास एटीपी भी है और अब हमारे पास न्यूट्रिएंट्स जो हमने यहाँ से डिफ्यूजन करवाए हैं वो भी हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स एटीपी, इनसे क्या होगा, अब हमें सिक्रीशन बनानी है, ये इसकी तो एनर्जी चाहिए। तो ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स बने, ये बनाएंगे सिक्रीशन, ये बनाते हैं सिक्रीशन, और जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन वगैरह सिक्रीट कर देता है, क्योंकि हमें पता है राइबोसोम इज़ अ प्रोटीन फैक्ट्री। तो राइबोसोम प्रोटीन सिक्रीट करेगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो सिक्रीशन बनाएगा, ठीक है, अपना जो भी सिंथेसिस उसने करनी है, सिक्रीटरी सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक चीज़ों की सिंथेसिस करनी है जो। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि ये हमारा गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। गॉल्जी कॉम्प्लेक्स ने क्या करना है कि इसको ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, या जो भी उसकी प्रोसेसिंग करनी है, और उसको एक वेसिकल की फॉर्म दे देनी है। तो ये वेसिकल की फॉर्म में आ गया, इसके अंदर है हमारी सिक्रीशन सारी। ये हो गया काम गॉल्जी का, उसने उस ट्रांसपोर्टेबल कर दिया, और फिर वो हमारे पास ये यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है, ये हमने दे दी यहाँ पे। अब ये यहीं पे रहते हैं, ये सिक्रीट नहीं होते तब तक जब तक या तो कोई हार्मोनल नहीं आता, है ना, या तो कोई नर्वस एक्साइटेशन नहीं आती, तब तक ये लोग यहीं पे रहते हैं। जैसे ही कोई हार्मोन सपोज यहाँ पे आया, उसने क्या किया, यहाँ पे ऑब्वियसली वो रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है, जो भी हार्मोन है, कोई भी हार्मोन है, सपोज एसिटाइलकोलाइन आया, तो यहाँ पे उसके रिसेप्टर्स होंगे, वो उसके साथ बाइंड करेंगे, सब कुछ होगा, उसके बाद कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, कैल्शियम अंदर जाएगा, ठीक है, ऐसे ही होता था, कैल्शियम अंदर जाएगा और फिर ये जो सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं ये सब वॉल्स के साथ फ्यूज़ होकर बाहर आ जाएंगे, और उसकी क्या हो जाएंगी, इनकी एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस हो गई और वो बाहर आ गए। अब वो फिर रिलीज़ कर देंगे, उसके बाद जो भी हमें सेकेंड नेसेसिटी है कि वाटर चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए, ठीक है, वो भी होने चाहिए, तो वो भी आएंगे, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये है एक नॉर्मल ग्रैंडुलर सेल में बेसिक मैकेनिज्म होता है कैसा। लाइब्रेरी में जो जो स्पेशल चीज़ें होती हैं वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और पूरे जीआईटी जो है हमारा, पूरा का पूरा जीआईटी, उसमें दो टाइप के हमारे हमें ग्लैंड्स मिलेंगे। एक होंगे डाइजेस्टिव, जो कि डाइजेस्टिव चीज़ें सिक्रीट करेंगे, ठीक है, तो मतलब कोई भी एंजाइम वगैरह करेंगे। और दूसरे होते हैं हमारे म्यूसिन, मतलब जो कि सिर्फ और सिर्फ म्यूकस ही सिक्रीट करेंगे। ये जो डाइजेस्टिव होते हैं वो ईलियम तक होते हैं, लाइक हमारे माउथ से शुरू होकर ईलियम तक होते हैं, उसके बाद डाइजेस्टिव जूसेस नहीं निकलते, एंजाइम्स नहीं निकलते, लेकिन जो म्यूसिन है, म्यूकस है, वो माउथ से लेकर एनस तक हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। म्यूकस ग्लैंड, मतलब जो म्यूकस ग्लैंड है वो माउथ से लेकर एनस तक, ये ईलियम तक ही होते हैं डाइजेस्टिव। अब हमने म्यूकस की बातें की हैं तो हम म्यूकस की थोड़ी सी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि म्यूकस का क्या काम है। म्यूकस मेनली जो है वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का ही बनना होता है, ठीक है। उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं साथ में, ठीक है, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ में पॉलीसेकेराइड बाउंड होते हैं। तो बेसिकली एक वाटर है जिसके अंदर ये दो तीन ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड जो है वो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। तो म्यूकस जो है वो जीआईटी के हर पार्ट में थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस के साथ मिलता है, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा थिक होना है, कहाँ पे थोड़ा वो होना है, तो ये बहुत ही अलग अलग वेराइटी में मिलता है। अब जो म्यूकस के मेन जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं कि ये एडहेरेंट है, ठीक है, एडहेयर कर देता है। अब हमारी वॉल है जीआईटी की, उसके साथ एडहेयर ही नहीं करेगा तो उसे बचाएगा कैसे, ठीक है। अगर ये है, ठीक है, उसने एडहेयर नहीं किया और यहाँ पर लूज़ पड़ा है, तो फिर क्या फ़ायदा उसका, जो गैस्ट्रिक जूसेज हैं या जो भी HCl, जो भी हमारा एसिड है, वो तो बर्बाद कर देगा वॉल को,
अगर ये है ही नहीं तो इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये एडहेरेंट है, मतलब एडहेरेंट मतलब चिपका हुआ है, ठीक है, एडहेयर करता है फूड पार्टिकल्स को भी साथ में, मतलब जो एडहेयर फूड पार्टिकल्स हैं इनके इनको इकट्ठे एक्यूमुलेट करता है। दूसरा क्या है कि रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करता, कि मतलब अगर यहाँ पे फूड है तो फूड आराम से निकल जाता है, ये नहीं है कि कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा, बहुत स्लिप हो जाता है मतलब फूड इसकी प्रेजेंस में, तो ये रेजिस्टेंस वगैरह नहीं कोई प्रोवाइड करता, आराम से स्लिपिंग करता है। जो फीकल पार्टिकल्स हैं ना जो आते हैं, क्योंकि एनस तक हमने बोला है कि म्यूकस सिक्रीट होता है, ये इलियम तक होता है, तो फीकल पार्टिकल्स हैं उनको एडहेयर करता है और फीकस बनाता है एकदम, ठीक है। और जो है वो रेजिस्टेंट है डाइजेशन पे, मतलब रेजिस्टेंट है डाइजेशन पे मतलब कि ये जो अगर यहाँ पे लग जाए, अगर ये चीज़ डाइजेशन इसकी डाइजेशन हो गई तो वॉल पे सीधा एक्ट करेगा, तो ये डाइजेस्ट नहीं होना चाहिए, ये ऐसे ही बना रहना चाहिए। डाइजेशन अंदर के फूड की होनी चाहिए, वॉल की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बस बफरिंग, थोड़ी सी बफरिंग कर देता है दोनों दोनों साइड से, एसिडिक की भी और बेसिक की भी। वैसे इसके पास मोर ऑफन बाइकार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट जो कि एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक हो गया। ये जो सिक्रीशंस होती हैं डाइजेस्टिव की या जो भी है, जो पूरी की पूरी जीआईटी के अंदर, कौन इसे स्टिमुलेट करता है? एक तो टेक्टाइल, टेक्टाइल स्टिमुलेशन मतलब फूड एंटर किया है, ठीक है, फूड का जो टच है वो ही कर देगा। दूसरी चीज़ कोई भी केमिकल, केमिकल्स रिलीज होते हैं। तीसरी चीज़ क्या है? डिस्टेंशन ऑफ गट वॉल, डिस्टेंड हुई, ऑब्वियसली कुछ आएगा तो डिस्टेंड होएगी, तो डिस्टेंशन ऑफ गट वॉल, केमिकल या टेक्टाइल जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें एक्टिवेट करेंगी और जूसेस वगैरह फिर ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज होंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।